Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to start chapter number 3 of the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Now we are starting the text. It was a small but very comfortable and sunny room. It was a small, ye ek chota sa, lekin bada hi aramdeh aur roshan kamra tha that Mrs. Wickett let to him, jo Mrs. Wickett ne use किराए पर दिया हुआ। द हाउस इटसेल्फ वॉज अगली, घर बजाते खुद तो बदनुमा सा था, एंड प्रिटेंशियस और ज़ाहरी नमूदो नमाइश वाला था, बट दैट डिडेंट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट वॉज कन्वीनियंट, ये बड़ा ही आरामदेह और मौजू था। दैट वॉज द मेन थिंग, और यही असल चीज़ थी, यही असल बात थी, फॉर ही लाइक्ड, जिसे वो पसंद करता था। इफ़ द वेदर वर माइल्ड एनफ, और अगर मौसम बड़ा ही मोतदिल होता, मौजू होता, टू स्ट्रोल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स, तो वो चलकर खेल के मैदानों तक चला जाता इन एन आफ्टरनून, दोपहर में, एंड वॉच द गेम्स, और खेल देखा करता। ही लाइक टू स्माइल, उसे मुस्कुराना पसंद था, एंड एक्सचेंज, यानी ही लाइक टू स्माइल, वो मुस्कुराता, एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़, और लड़कों के साथ बातें करना उसे बड़ा भला लगता था। वेन दे टच देयर कैप्स टू हिम, जब वो टोपियाँ उतार कर उसे सलाम करते। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़ एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ, वो बड़ा ध्यान देता, मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ, इसका मतलब बड़ा ध्यान देता, गेटिंग टू नो, जानने के लिए, ऑल द न्यू बॉयज़, तमाम नए लड़कियों को, एंड हैविंग देम टू टी, और उन्हें चाय पे मधु करता, विद हिम, अपने साथ, यानी अपने घर, अपना, ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म, उनकी पहली तालीमी दौरानिए के दौरान। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक, वो हमेशा वॉलनट के, अखरोट के केक का ऑर्डर देता, विद पिंक आइसिंग, और जिसके ऊपर गुलाबी आइसिंग, शक्कर की तह होती, फ्रॉम रेडीवेज इन द विलेज, गांव के अंदर रेडीवेज, जो एक बेकरी थी वहाँ, रेडीवेज की बेकरी पर वो गुलाबी शक्कर की तह वाले अखरोट के केक का ऑर्डर देता। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, और सर्दियों के टर्म के दौरान, देयर वर क्रम्पिस्ट हो, और सर्दियों के टर्म के दौरान तो वहाँ पर कुलचे भी हुआ करते। A little pile of them in front of the fire, आग के सामने उनकी छोटी सी ढेरी लगी होती, soaked in butter, जो मक्खन में डूबे हुए होते, so that इस तरह से the bottom one, कि जो नीचे वाला कुलचा होता, lay in a little shallow pool, ऐसे लगता है कि जैसे छोटे से तालाब में पड़ा हुआ हो। His guest found it fun to watch him make tea. His guest, उसके मेहमान, found it फन, वो बड़े महजूज़ होते, टू वॉच हिम, उसे देखते हुए, मेक टी, चाय बनाते हुए, मिक्सिंग, मिलाते हुए, केयरफुल स्पूनफुल, एहतियात के साथ चमचे भर भर के, फ्रॉम डिफरेंट कैडीज, बहुत से छोटे डब्बों से चमचे भर भर के चाय बनाते हुए और मिक्स करते हुए वो उसे देखते, उसके मेहमान जो थे बड़े खुश होते। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़, और वो नए लड़कों से पूछता, वेयर दे लिव्ड, वो कहाँ रहते थे, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, उनका कोई ताल्लुक ब्रुकफील्ड के साथ भी है। ही केप्ट वॉच टू सी, वो देखता रहता, दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, कि उनकी प्लेटें खाली नहीं होनी चाहिए, एंड पंचुअली, और ठीक ठीक एट 5:05 आफ्टर द सेशन, मुलाकात के बाद, हैड लास्टेड एन आर, जो कि एक घंटा जारी रहती। ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक, वो क्लॉक पर निगाह डालता, एंड से, और कहता, वेल, अच्छा, इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल, बड़ा मज़ा आया, मीटिंग यू लाइक दिस, इस तरह से आपसे मिलना, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, यू कैन स्टे, आप रुक नहीं सकते। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च, एंड ही वुड स्माइल, और वो मुस्कुराता, एंड शेक हैंड्स विद देम, और उनके साथ हाथ मिलाता इन द पोर्च ड्योड़ी में, लिविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल, लिविंग देम टू रेस, उन्हें दौड़ने के लिए छोड़ देता,
अक्रॉस द रोड सड़क के पार टू स्कूल स्कूल की तरफ जाने के लिए विद देयर कम उनके तबसरे के साथ डिसेंट ओल्ड बॉय बड़ा ही शायस्ता बूढ़ा लड़का चिप्स चिप्स गिव यू अ जॉली गुड टी आपको बड़ी मज़ेदार चाय पिलाता है एनी हाउ फिर भी एंड यू डू नो आपको जानना चाहिए आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ कि कब वो आपको रुख्सत कर देगा एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स और चिप्स भी अपना तबसरा करता है टू मिसेस विकेट मिसेस विकेट के साथ व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर अवे द रिमेन्स व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम जब वो उसके कमरे में दाखिल होती टू क्लियर अवे साफ करने के लिए द रिमेन्स बाकियात को किस चीज़ की बाकियात को ऑफ द पार्टी यानी जो पार्टी हुई होती उसका जो सामान पड़ा होता उसको साफ करने के लिए जब मिसेस विकेट उसके कमरे में दाखिल होती तो वो उससे भी इसका जिक्र करता अ मोस्ट अम्फ इंटरेस्टिंग टाइम बड़ा ही दिलचस्प वक्त मिसेस विकेट यंग ब्रैंक्सन टेल्स मी नौजवान ब्रैंक्सन ने मुझे बताया दैट हिज अंकल वॉज मेजर कॉलिंगवुड कि उसका अंकल उसका चचा मेजर कॉलिंगवुड था द कॉलिंगवुड वी हैड हेयर इन वो कॉलिंगवुड जो हमारे साथ यहाँ होता था नॉट टू 1902 की बात है आई थिंक इट वॉज यानी मेरा ख्याल है कि ये 1902 में था डियर मी मेरी अजीज़ा आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल मुझे बड़े अच्छे से याद है कॉलिंगवुड आई वंस थ्रैश्ड हिम मैंने एक दफ़ा उसकी पिटाई भी कर दी थी फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ जिमनेजियम की या जिमनास्टिक हॉल की छत पर चढ़ने पर मैंने उसकी पिटाई कर दी थी टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर गटर से बॉल निकालने पर माइट हैव अम्फ ब्रोकन हिज नेक माइट हैव अपनी गर्दन ही तुड़वा बैठता द यंग फूल नौजवान बेवकूफ कहीं ऐसा ना होता कि अपनी गर्दन ही तुड़वा बैठता डू यू रिमेंबर हिम क्या तुम्हें वो याद है मिसेज विकेट ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम वो तुम्हारे वक्त में भी हुआ करता था मिसेज विकेट बिफोर ही सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम मिसेज विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी रकम जमा करने से पहले हैड बीन रह चुकी थी इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम चादरें तौलिए वगैरह रखने का जो कमरा है उसकी इंचार्ज रह चुकी थी एट द स्कूल में यस आई न्यू सर जनाब हाँ मैं उसे जानती हूँ चीकी वॉज टू मी मेरे साथ तो बड़ा गुस्ताख ही रहता था जनरली आम तौर पर यानी अमूमन मेरे साथ गुस्ताख ही रहता था बट वी नेवर ऐड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस बट वी नेवर लेकिन हमारे दरमियान कभी तलख कलामी नहीं हुई थी बैड वर्ड्स तलख कलामी जस्ट चीकी लाइक बस ज़रा गुस्ताख था ई नेवर मेंट टू हार्म इनका कोई इरादा नहीं होता नुकसान पहुंचाने का दैट काइंड नेवर डज सर जनाब इस तरह के बच्चे ऐसा नहीं करते वॉजेंट इट आई एम दैट गॉड द मेडल सर क्या ये वही नहीं था जिसने इम्तियाजी खिदमात के सिले में उसको तगमे से नवाजा गया था ये वॉजेंट इट क्या ये वो नहीं था दैट गॉट द मेडल जिसको मेडल मिला था यस हाँ DSO डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर जनाब कुछ आपको और चाहिए नथिंग मोर नाउ कुछ मजीद नहीं टिल चैपल टाइम इबादत के वक्त तक यानी चर्च जाने के वक्त तक मजीद कुछ नहीं चाहिए ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट वो इजिप्ट में मिस्र में मारा गया था आई थिंक मेरा ख्याल है यस हाँ यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट देन तुम उस वक्त मेरा जो है खाना ले आना या लगभग उस वक्त आप मेरे लिए शाम का खाना ले आना वेरी गुड सर जनाब बहुत अच्छा अ प्लेजेंट प्लेसड लाइफ एक बड़ी खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी एट मिसेज विकेट के हाँ ही हैड नो वरीज उसे कोई परेशानी नहीं थी हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट उसकी पेंशन
काफ़ी मुनासिब थी, यानी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी मौजूद थी, या उससे उसकी पेंशन से उसकी ज़रूरत पूरी होती थी। एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, और इसके अलावा कुछ रकम जमा भी कर ली जाती थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, वो हर चीज़ जो उसे चाहिए थी उसको अफोर्ड भी कर सकता था। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ और हर वो चीज़ जो वो चाहता था उसे मुहैया थी, या वो ले लेता था, उसके लेने की उसके अंदर इस्तेआत थी। हिज रूम वाज फर्निश्ड, उसका कमरा सजा हुआ था, कैसे, सिंपली, सादा से अंदाज में, एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और स्कूल के अंदाज से, अ फ्यू बुक शेल्व्स, कुछ किताबों के ताकचे थे, एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज और कुछ जीते जाने वाले इनामात, अ मेंटल पीस, एक मेंटल पीस। आपने देखा होगा कि आतिशदान होते हैं पुराने घरों में बने हुए, तो वो वहाँ जो है ना उसके ऊपर ऐसे एक अंगीठी सी, उसके ऊपर एक ऐसे चीज़ें रखने की जगह बनी होती है और नीचे आग होती है, ठीक है ना, तो उसको हम आतिशदान या मेंटल पीस कहते हैं। तो वो मेंटल पीस जो था या आतिशदान जो था, उसके जो ऊपर वाला पोर्शन था वो डेकोरेटेड था किन चीज़ों से, अ मेंटल पीस, एक आतिशदान क्राउडेड भरा हुआ था विथ फिक्सचर कार्ड्स, ये ऊपर की जगह को कहते हैं, ठीक है ना, के शिकार की तारीख के लिए जाने वाले जो कार्ड, फिक्सचर कार्ड होता है जिसमें कार्ड के ऊपर डेट फिक्स होती है, ठीक है ना, एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड मैन, और आदमियों की और लड़कों की साइन की हुई तस्वीरें, अ वोन टर्की कारपेट, एक पुराना खस्ता हाल सा कालीन, बिग इजी चेयर्स, बड़ी सी आरामदेह कुर्सियाँ, पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवारों पर तस्वीर ऑफ द एक्रोपोलिस एंड फोरम, एक्रोपोलिस की और किस चीज़ की, फोरम की, ठीक है, ओके बेटा, एक्रोपोलिस जो है इसको ऊंचे शहर को कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी को कहते हैं, और फोरम किसे कहते हैं, खरीदो फरोख्त की जगह को कहते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।